Friends, a warm welcome to my channel. Well, in today's video we will be discussing something about a very big FMCG brand of our country, which is like Hindustan Unilever. Hindustan Unilever ke bare mein to apne sab ne sun rakha hoga, and definitely aapko kahin na kahin daily usage mein aisa koi household nahi hoga jisne have never used any of the product of Hindustan Unilever, starting from Dove, Ponds, Lakme, shampoos, sunsilk se leke tomato sauce, aap किसान का हो गया, या फिर आप चाय अगर यूज़ कर रहे हैं, ताजमहल डिओड्रेंट, एक से लेके कपड़े धोने के साबुन से लेके बर्तन धोने के साबुन से लेके नॉर्मल साबुन, एवरीथिंग, एवरी सेक्टर दैट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द कंजम्पशन इज हैविंग सम और द अदर प्रोडक्ट फ्रॉम हिंदुस्तान यूनिलीवर. एक मिथ डेफिनेटली है कि आपको लगता होगा कि हिंदुस्तान लिखा हुआ है, दैट मीन्स हो सकता है कि ये कंपनी बेसिकली इंडिया की है, बट इट्स नॉट. इट्स ए यूरोपियन कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन यूके, बट ये क्या है, कोलेबोरेशन है हिंदू यूनिलीवर लिमिटेड का इंडिया के साथ में, एंड दे हैव एक्चुअली मेड दिस ब्रांड. बट अगेन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट इज एक्चुअली अ वेल नोन ब्रांड, एंड इंडिया में ऐसा कोई हाउस होल्ड नहीं है जहाँ पे इस ब्रांड का प्रोडक्ट यूज नहीं किया जाता है. तो आज ये वीडियो का जो मैं बना रहा हूँ उसका मकसद ये है कि आई वॉन्ट टू गिव यू फाइव रीजन्स वाई आई थिंक that this particular share Hindustan Unilever should be part of every investor's portfolio. कोई भी investor किसी भी amount में invest करता हो अभी at this point of time और या फिर future plan के लिए भी, 5 साल 10 साल का अगर आप अपना portfolio build up कर रहे हैं, then मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि जो 5 reason मैं आपको बताने वाला हूँ, those reasons are very essential which actually says that this is one of the best stock that we have in the market and definitely this should be part of your portfolio. So, ज़्यादा लेट ड्यू नहीं करके हम आगे बढ़ते हैं, एंड आई विल स्टार्ट गिविंग यू द रीजंस व्हाई आई एम थिंकिंग दैट दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो. सो सबसे पहला पॉइंट अगर हम उठाते हैं, दैट इज स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी से मेरा ये मतलब है कि अगर आप इस कंपनी का लास्ट 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का अगर आप ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखो, तो इट हैज एक्चुअली ग्रोन ऑलवेज इन एन एक्सपोनेंशियल मैटर. जब भी कभी करेक्शन आया है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, ये जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया है, ये आपको लगभग करीब करीब मैंने 6 महीने का ग्राफ दिखाया. अगर आप देखो 6 महीने में एक बार यहाँ डिप जरूर आया है, लेकिन इट हैज एक्चुअली अगेन करेक्टेड, फिर से डिप आया, फिर से करेक्ट हो गया. तो वेन एवर कभी भी मार्केट में अगर इसका डिप आ रहा है, डेफिनेटली इट एक्चुअली करेक्ट, एंड दैट इज हाउ ये ऑसिलेशन मूवमेंट में दिस कंपनी हैज ग्रोन ओवर द लास्ट 15-20 ईयर्स. तो यहाँ पे अगर आप देखो 200 रुपये पे इनिशियली जब वो इंडिया में आया था, तो दे स्टार्ट ट्रेडिंग, एंड आज के डेट पे 2100-2200 रुपये पे ट्रेड कर रहा है. सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली ये है कि इवन इन दिस कोरोना सिचुएशन वेर एवरी कंपनी इज एक्चुअली डिस्काउंटेड एट लाइक ऑलमोस्ट 45-50% नीचे सब स्टॉक का वैल्यू चल रहा है. अगर आप यूनिलीवर को देखोगे, इट हैज नॉट करेक्टेड एट ऑल. इवन अगर आप देखो, इट्स एक्चुअली रनिंग ऑन अपने ऑलमोस्ट 52-week प्राइस पे वो चल रहा है. सो इट क्लियरली शोज दैट दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी विथ हाई फंडामेंटल वैल्यूज. डेफिनेटली दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट रीजन वाई आई एम थिंकिंग दैट दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो. सेकेंड रीजन वट वाई आई एम सेइंग इज इट्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो. सो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखो उसके इंडस्ट्री पीयर्स के साथ में अगर आप कंपेयर करो, सो इट्स लाइक इंडस्ट्री पीयर बता रहे हैं इट्स 59. सो 59 यहाँ इंडस्ट्री पीई का मतलब ये हो गया कि इस सेक्टर में जो भी कंपनी, दूसरे कंपनी जो भी बिजनेस करते हैं, अगर आप मारिको ले लो, ब्रिटानिया ले लो, जो हालांकि वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स नहीं है, उसका अगर आप दूसरा देख लो, या फिर ग्लैक्सो ले लो, आप नेस्ले ले सकते हो, मैंने कोई भी फूड प्रोडक्ट या फिर कंज्यूमर ओरिएंटेड जहाँ पे कंजम्पशन का ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है, उस कंपैरिजन में अगर आप देखो तो उस इंडस्ट्री सेक्टर में जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है दैट इज 59, वेर इज यूनिलीवर का 68%. डेफिनेटली ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ज़्यादा है. तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से दिस इज द सेकेंड रीजन वाई इट शुड बी इन योर पोर्टफोलियो. तीसरा इस रीजन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, मैं कभी भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं ये जरूर देखता हूँ कि वो कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है. बिकॉज इट्स नॉट दैट इफ यू आर अ ट्रेडर, आप दिन खरीद रहे हो, आज खरीद रहे हो, कल बेच दे रहे हो, परसों बेच दे रहे हो, या फिर आज खरीद रहे हो आज ही बेच दे रहे हो. बट इफ यू आर एन इन्वेस्टर, यू आर नॉट एक्चुअली लुकिंग फॉर अ शॉर्ट टर्म गोल, यू आर लुकिंग फॉर अ पोर्टफोलियो बिल्डअप, राइट? आप अपना फ्यूचर के लिए आप देख रहे हो. तो इन दैट केस अगर आप ऐसा कोई स्टॉक खरीद कर रखो जहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें आपको प्रॉपर डिविडेंड भी मिल रहे हैं, डेफिनेटली इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू. यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ भी हो रहा है, आपका शेयर का वैल्यू भी बढ़ रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ रहा है, एंड साथ में यू आर ऑल्सो गेटिंग डिविडेंड. सो अगर आप देखो, यहाँ मैंने 10 साल का दिखाया है, 10, 11, 12, 13, इट्स एवरी ईयर इट हैज़ एक्चुअली गिवन यू कंसिस्टेंट डिविडेंड्स. सो इस साल में भी अगर आप देखो 2019 में
1300%, ek bar 1100%. So it's not giving you 100% dividend, but it's actually giving you 1300, 1100. So 2019 में अगर आप देखो, अभी 2020 अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, 2019 में अगर देखो तो इट हैज एक्चुअली गिवन यू 2400% डिविडेंड. तो अगर आपका इसका फेस वैल्यू 10 रुपया है तो इट हैज एक्चुअली गिवन यू 2400 रुपीज. सो इट्स ह्यूज. सो डिविडेंड के मामले में अगर आप देखो तो इट हैज इट इज अ वेरी गुड कंपनी. तो दिस इज अनदर रीजन वाई आई एम थिंकिंग दैट इट शुड बी इन योर पोर्टफोलियो. नेक्स्ट रीजन यहाँ पे मैंने इसीलिए आपको ये दिखाया, ये दिस इज अबाउट द फंडामेंटल्स. फंडामेंटल्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ, दैट इज द मार्केट कैप. अगर आप देखो इस पर्टिकुलर कंपनी का जो मार्केट कैप है, दैट इज ऑलमोस्ट लाइक 466,329 crores एंड कैश रिजर्व इज 7,800. सो कोई भी कंपनी जिसका कैश रिजर्व बहुत अच्छा था, डेफिनेटली इट्स अ गुड कंपनी टू वाउच फॉर. प्रॉफिट लास्ट 10 इयर्स का अगर आप वेरिएंट देखो, इट्स लाइक ऑलमोस्ट 9.6%. सो 10% के हिसाब से आपको सालाना इसमें प्रॉफिट मिल रहा है. सेल्स इज 6.75, सेल्स ग्रोथ इज 6.75. सो इसका बिजनेस हर साल 6.75% के हिसाब से बढ़ रहा है एंड प्रोमोटर होल्डिंग इज ऑलमोस्ट 70%. तो कोई भी बड़ी कंपनी होती है जिसमें प्रोमोटर ज़्यादा होते हैं, इससे ये पता चलता है कि उसमें ज़्यादा लोग इन्वेस्टेड हैं, बाहर के इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट कर रहे हैं. It is actually a good point for the company. So promoter holding be 67%. So I think that all these factors actually constitute that this is also a very stable company. But that is why more of the people from outside India are also invested. ज़्यादा promoter इसमें है. Last reason यहाँ पे मेरा जो पांचवा reason है उठाने का है कि आप अगर मेरा channel follow करोगे या फिर आप अगर मेरे channel में नए हो, आप पुराने videos मेरे देख सकते हो जहाँ पे I have always discussed about the intrinsic value. यहाँ पे मैंने Benjamin Graham का formula use किया है intrinsic value calculate करने के लिए. ये exact value आपको नहीं बताता है, but still it gives you a approximate value कि उसका जो आपका EPS है, earning per share percentage है, उस हिसाब से stock का value कितना होना चाहिए. तो आज के डेट पे HUL का अगर आप EPS देखो, इट्स 31.42 एंड ग्रोथ परसेंटेज है कंपनी का लास्ट 10 साल का ग्रोथ परसेंटेज का एवरेज 22.95. बॉन्ड यील्ड इज लाइक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, ये आपको गूगल में ही मिल जाएगा. इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करो तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू कमिंग अराउंड 1000 रुपीज. अगर आप ओवर वैल्यूड या फिर अंडर वैल्यूड का रेंज देखो तो जो यहाँ पे HUL के मेरे फॉर्मूला के हिसाब से जो रेंज आ रहा है, इट्स कम्स बिटवीन 949 to 1160. तो इस बीच में अगर ये ट्रेड कर रहा होता तो डेफिनेटली इट वाज अ प्रॉपर रेट इंट्रिंसिक वैल्यू इसके जो भी फंडामेंटल्स है उस हिसाब से. बट दिस कंपनी इफ यू सी इट्स एक्चुअली ट्रेडिंग एट 2153. तो आप समझ सकते हो कि जो एक्चुअली मार्केट वैल्यू उसका होना चाहिए था इंट्रिंसिक वैल्यू, स्टिल उससे इतना ज्यादा वो आगे बढ़ के ऑलमोस्ट डबल द प्राइस ट्रेडिंग. इट एक्चुअली शोज दैट इन दिस मार्केट जहाँ पे सारे कंपनी इतने पिटे हुए हैं, वहाँ पे भी इट इज एक्चुअली ट्रेडिंग एट द डबल वैल्यू ऑफ इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू. तो इसका फेयर वैल्यू भी इतना अच्छा है. तो डेफिनेटली आई थिंक इट इज एक्चुअली showing you that this company is how much strong. So friends, these were the 5 reasons why I think that HUL should be part of your portfolio. So that was it of part of this video I wanted to share. So if you have liked this video, please do subscribe to my channel and share it with your friends and colleagues, and I'll be back with some interesting and informational video as soon as possible. Thank you so much. Bye bye.